वेल हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो ठंड के मौसम में हमारे पैर हाथ तो फटते ही हैं, साथ ही हमारे ओंठ की जो स्किन है वो फटने लगती है, हमारे ओंठ हो जाते हैं ड्राई। तो मैं इसके लिए आपको बताने वाले एक बेस्ट होममेड लिप बाम जो आप घर पर आराम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है बीट रूट, इसको अच्छे से वॉश करके आपको कर लेना है इसको कद्दूकस। मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, इसी तरीके से आपको इसको कर लेना है कद्दूकस। और इसका हम निकालेंगे जूस। तो मैंने यहाँ पे इसका जूस जो है वो निकाल लिया, इसका जो रस है वो हमने निकाल लिया है। बचा हुआ जो कद्दूकस है इसको आपको फेंकना नहीं है, इससे आप पराठे या किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब इसका जो मैंने पेस्ट निकाला है इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, जो कि हमारे ओंठों में मॉइस्चर लेकर आएगा, हमारे लिप्स को सॉफ्ट करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर हमें ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। मैंने यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए हैं। इन सबको ऐड करने के बाद आपको इसको पहले कर लेना अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम वैसलीन। वैसलीन मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ली है। अगर आपको लगता है कि जो रस है बीट रूट का वो ज़्यादा है तो आप इसके अंदर थोड़ी वैसलीन और ऐड कर सकते हैं। और इसको आपको करना है अच्छे से मिक्स, जब तक ये जो बीट रूट का पानी है वो पूरी तरीके से वैसलीन के अंदर मिक्स ना हो जाए। तो ये आराम से मिक्स हो जाएगा। मैं आपको वीडियो में फास्ट करके दिखाऊँगी कि कैसे, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये पूरा जो पानी है जो बीट रूट का रस है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ये एक लिप बाम के रूप में बन जाएगा। तो मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा बीट रूट का रस है वो इसके अंदर कैसे मिक्स हो गया है। इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा और अच्छे से मिक्स होने के लिए, तो आपको इसी तरीके से इसको मिक्स करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो ये यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी जार के अंदर जिसमें आप इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाती हूँ अपने हैंड पे, कितना अच्छा ये शाइन देगा और मॉइस्चर आपके लिप्स को देगा। आप इसको आराम से फ्रिज के अंदर 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। पर आप कोशिश करें कि इसको फ्रिज के अंदर रखें, क्योंकि हमने इसमें बीट रूट का रस मिलाया है तो वो आप पे फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखें कितनी अच्छी शाइन लेकर ये आया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।